आवाज ठीक है जी? आ रही है बच्चे, कह रहे हैं जी बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यार ऑनलाइन स्टूडेंट से बैठे हैं तो कह रहे हैं आ रही ठीक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज सबको सही आ रही है मेरी? क्लास में जो बैठे हैं बच्चे बैठे हैं मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं इनको भी सही आ रही है? कोई इको तो नहीं आवाज में महसूस हो रही? चलिए एक दो क्वेश्चंस करके लिए दिए थे आपको ये। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री काइंडली अपने नोट्स खोलना जरा। प्लीज बेटा साथ साथ जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई मसला तो नहीं आया? अटेम्प्ट कर लिए वैसे? चले फिर क्वेश्चन नंबर फोर जरा कंप्लीट कर लें। आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर जहां तक हुआ था, इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन? देख लें एक नजर, रिवाइज कर लें जरा क्या किया था। क्वेश्चन भी पढ़ें और आंसर सामने रख के जरा फिगर्स मैच करें। हमने फैक्ट्री वेट से गुड़ा वर्किंग की थी, यहाँ तक सही है ना फिगर? सारी मैच है मेरे से? चलें बताएं जी फिर नेक्स्ट क्या आना है आप कंप्लीट करवाएं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इकट्ठे हो जाए प्लीज सर। ये प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करके आंसर आ जाएगा 1924600। देन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढना है नीचे एडिशनल फॉर्मेशन में, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जीरो है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 250,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आ जाएगी, ये जरा मुबशर साहब से क्या थोड़ी देर बैठ जाए, मेरे ख्याल फिर आवाज का मसला है। ये बेटा जरा कंप्लीट करें सारा। ये सर आंसर बता दें, आंसर 1674600। कुछ यूज तो हो गया ना सर चीजों से यार, सबको सही समझ आ रहा है ना? प्लीज
जी बेटा, इसकी वर्किंग क्यों की हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्यों निकाली है? वापस जाएं, ऊपर पेज छोड़ा हुआ हमने, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की फिगर मिसिंग थी रेट की कैलकुलेशन में, तो वहां प्लेस करें 1674600, सॉल्व करें, रेट निकालें। अच्छा बेटा, कभी आंसर अगर पॉइंट्स में आ रहा हो ना, तो रेट को मैक्सिमम दो डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ कर दें। क्या आंसर वैसे एग्जैक्टली आ रहा है मेरा? 88 तक ही है बस। चलें फिर तो खैर मसला कोई नहीं, नहीं तो मतलब फिर राउंड ऑफ कर लें। नहीं, 9 बेटा कब करते हैं यार, जब मेरा ख्याल है कि 5 से आगे हो, नहीं आगे भी, आगे 3 है ना राउंडिंग ऑफ, अगर आगे मेरा ख्याल 5 या 6 होता तो फिर राउंड ऑफ करते हैं ना। सर जी कोई इशू नहीं आएगा, अभी मैं आपको इंशाल्लाह इंट्रो में याद करवाता हूँ, एक मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है बेटा। पॉइंट्स की बहस अगर हम करना शुरू हो जाए तो देखें फिर मुझे ऐसे लिखना चाहिए 2 1 2 पॉइंट और 8 और 3 और लिखना ही, लिखते ही जाना चाहिए जो जो आ रहा है। तो बेटा वो तो फिर हम एक इनसिग्निफिकेंट चीज है ना, ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है किसी के जहन में? सिग्निफिकेंट चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट चीज है, राउंडिंग ऑफ इज इनसिग्निफिकेंट, उसकी वजह से कभी टेंशन नहीं लेनी। तो मैक्सिमम अगर रेट आप निकाल रहे हैं पॉइंट के बाद दो डिजिट्स तक जाएं और अकॉर्डिंगली उसे राउंड ऑफ कर लें। अगर ये आ रहा होता फॉर एग्जाम्पल 885 समथिंग, तो शायद 89 कर लेता मैं, के बाद भी पता है वैसे। अच्छा चलें, एक बात हो रही है, जरा दोबारा क्लियर कर लें। अगर मैं पॉइंट्स में ना लिखना चाहूँ फिर बताएं कैसे लिखूं? तो ये 213 हो जाएगा क्योंकि आगे पॉइंट 888 हुआ हुआ। लेकिन रेट के लिए एक रूल बना लेते हैं, अगर रेट है तो पॉइंट के बाद दो डिजिट तक चले जाएं, लेकिन अगर कोई अमाउंट लिख रहे हैं तो उसको फिर रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। रेट है तो पॉइंट्स में दो डिजिट तक जाकर राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अगर कोई अमाउंट पॉइंट्स में आ रही है, लाइक जब स्टॉक की वर्किंग करेंगे अगर वो पॉइंट्स में आ गई, तो वो फिर अमाउंट्स में मींस रुपीज में राउंड ऑफ कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल वो भी मैं एक्सप्लेन कर ही दूं एक दफा। तो इसके साथ पहले तो पर यूनिट लगाएं, अब ये पर यूनिट रेट आ गया, क्लियर है बस? बहरहाल फिलहाल सर जी परसेंटेज रेट की क्यों निकालनी सर, पर यूनिट रेट निकालना सर, मजाक है ना जी। सर जी लास्ट स्टेप बताएं, आप क्या करूं? आप क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स बेटा कितने क्वेश्चन में? तो 5000 इनटू 212.88 इज इक्वल टू, आंसर बताएं, 1064 जी जी 1616 नहीं मेरा, 106 है मेरा ख्याल। सही 00 सर। मेरे से मेरे अलावा किसी का आंसर कोई हो इसके जो मैंने लिखा? नहीं हो सकता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अब ये भी बेटा, अगर आप अपने कैलकुलेटर में ना वो पूरा जो रेट आया था, अगर वो पूरा रेट मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, तो थोड़े सी अमाउंट्स में डिफरेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो राउंड ऑफ नहीं हुआ था, और अगर आप राउंड ऑफ करके रेट लगाएंगे तो अमाउंट ये शायद आएगी, तो वो भी इन मटेरियल डिफरेंस है। क्या वैसे आया, किसी ने किया वो पूरा रेट की बेस पे 8833 की बेस पे क्या आ रहा था, जरा बताइएगा, बता दें बेटा क्या रेट है, मैं तो वही पूछा अमाउंट 106 44। अब ये 16 आ रहा है या 00 लिखना भी इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो अगर आपने 16 लिखा है तो हरगिज काट के 00 ना करें, और अगर 00 लिख लिया है तो हरगिज काट के 16 ना करें, बात एक ही है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? राउंड ऑफ करने की वजह से, और राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस का कोई इशू नहीं। तो क्या हम एक ही बात कर रहे हैं 00 कह के और 16 कह के? प्लीज हम एक ही बात कर रहे हैं। अकाउंटेंट यकीनन हमने बनना है और एक एक रुपए का हिसाब रखना है, लेकिन इन मटेरियल डिफरेंसेस को इग्नोर भी करना है, वरना तो हमारी नींदें उड़ जाएंगी हमेशा। तो अब इन मटेरियल वाला भी रिवाइज कर लीजिएगा जहन में, अगर 10 लाख रुपए हों, ये 10 लाख समथिंग रुपए हैं, 10,64,000, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में 16 रुपए इन मटेरियल है, लेकिन अगर रुपीज ही 16 हो तो फिर वो 16 मटेरियल ही है।
और मटेरियलिटी लेवल कभी भी हमने अपने एंगल से नहीं सोचना, हमारे लिए तो एक एक रुपया सिग्निफिकेंट है, होना भी चाहिए, हमेशा बिजनेसेस के एंगल से सोचना। तो मिलियंस और बिलियंस के अगर फिगर्स हैं तो उसमें रुपीज या चंद 100 रुपए भी अगर हो तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो प्लीज अब आई होप कि इस पे दोबारा कभी हम बहस नहीं करेंगे। रूल क्या डिसाइड किया प्लीज, कि अगर रेट है तो पॉइंट्स में चले जाएं दो डिजिट तक, लेकिन अगर रुपीज कैलकुलेट हो रहे हैं तो फिर वो उसे राउंड अप कर लें रुपीज में, फिर पॉइंट्स में ना ही जाएं। ठीक है जी, क्लियर रहेगा? कोई और इश्यू तो नहीं किसी का यहाँ तक? देन बेटा यही क्वेश्चन हमें फाइफो से भी करना है, क्वेश्चन देखना जरा। अभी ये किस मेथड से हो गया फाइनल? तो सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग फाइफो, नेक्स्ट पेज निकालना है। हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अब हमें फाइफो बेसिस पे वर्किंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फाइफो बेसिस से जब हम वर्किंग करेंगे तो हमारे वर्ड्स ये होने चाहिए कि आइटम्स या यूनिट्स परचेज की जगह यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, ठीक है, रादर देन परचेज फर्स्ट। तो इसके लिए बेटा आई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा मैं वर्किंग आपके सामने लिखूंगा, उसको पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये सारे यही डाटा जो यूज हो जाना, आपने थोड़ा सा डाटा मुझे लिखवाना, क्वेश्चन सामने रखिएगा, आंसर सामने रखिएगा, जो मैं पूछूंगा ढूंढ के बताइएगा, और लिखने की जल्दी ना करें, मैं फिर रुक जाऊंगा, फिर आप लिखिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताएं कितने? 4000। उन 4000 यूनिट्स की अमाउंट क्या थी? 220 बेटा पर यूनिट था, तो 880 टोटल था, ठीक है। देन उसके बाद प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई? समझे समझे, रुक के समझे। 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मिल गया सबको? कितनी कॉस्ट आई ये पता है हमें? अब देखें जरा अपने पास वर्किंग्स, देखें क्या ये पता है हमें कि 8000 यूनिट्स की कॉस्ट बेटा कितनी आई? क्या जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हुई है वो इन्हीं यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट आई है? सोच लें, तसल्ली से सोच लें। 1674 नहीं, सॉरी वो तो स्टॉक की फिगर है, 1674 एक कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, उसका नाम रखा हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एंड हाउ मेनी गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड? 8000 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो 8000 यूनिट्स को बनाने की बेटा कॉस्ट अगर मैं कहूँ कि 1674600 है तो सब मेरे से एग्री कर जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद एक छोटी सी वर्किंग शायद मैंने कल करवा दी थी, सोल्ड यूनिट्स बताएं कितने हैं? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 5000, तो सोल्ड यूनिट्स कितने निकाले थे कल हमने? 7000 यूनिट सेल हो गए हैं, तो देयरफॉर 5000 यूनिट्स स्टॉक में है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। अब हमने क्या करना है, फाइफो बेसिस पे इन 5000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो फाइफो से अगर वर्किंग करनी हो तो थोड़ा सा मैंने एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल आपके सामने बनाया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बनाइएगा, ठीक है। अब फाइफो अगर मेथड है तो फिर सोचना कैसे है वो गौर से मेरी बात सुनिएगा जरा। फाइफो मेथड में हमने बेटा डिसाइड ये करना है कि कौन से यूनिट सेल हो गए होंगे और देयर फॉर स्टॉक फिर कहां से बचा होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट इन फाइफो मेथड इज कि आप सोल्ड यूनिट्स पहले जेन में रखें। 7000 यूनिट्स बिके हैं, अब हमें डिसाइड ये करना है कि यूनिट्स ये कौन से बिके होंगे। तो सबसे पहले कौन से यूनिट्स बिक गए होंगे, तो इट मींस 4000 यूनिट्स तो सेल हो गए होंगे, लेकिन क्या फिर 3000 यूनिट्स फर्दर सेल हुए होंगे? वो कहां से सेल हो सकते हैं? वो 8000 में से हुए होंगे,
तो इट ऑब्वियसली मींस कि ये जो 5000 बचे हैं वो फिर प्रोडक्शन में से बचे हैं। तो इस केस में अब मैं अगर रेट निकालना चाहता हूँ 5000 यूनिट्स के लिए, तो मुझे ओपनिंग को कंसिडर ही नहीं करना चाहिए रेट के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे सेल हो गए। तो मुझे क्या सिंपली ऐसे नहीं करना चाहिए, गौर से देखें कि मैं 16,746,00 लिखू डिवाइडेड बाय 8,000 कर लू, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट का रेट आ जाएगा। और मेरा स्टॉक क्योंकि यहीं से बचा है तो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय 5,000 यूनिट्स कर लूंगा। यकीनन पहले रेट निकाल के भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सबको बात समझ आ गई? प्लीज लिखे नोट करें। सेवन थाउजेंड बेटा कैलकुलेटर काइंडली पकड़े जिन लोगों को 7,000 क्लियर नहीं अगर हुआ। ओपनिंग स्टॉक बेटा था 4,000 यूनिट्स का, 8,000 यूनिट्स पॉइंट नंबर वन में बताया हुआ था प्रोड्यूस हुए हैं, तो देयरफॉर टोटल बेटा 12,000 हो गया थे। फिर एक क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बताया हुआ था 5,000 यूनिट्स स्टॉक में पड़े हैं, देयरफॉर वहां से फिर बैलेंसिंग फिगर बता जाएगी, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन 12,000 माइनस जो स्टॉक बच गए तो 7,000 यूनिट्स फिर सेल के होंगे अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। ओके बेटा समझ आ गया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से? 7,000 यूनिट्स अगर किसी को समझ नहीं आया था तो अब समझ आ गए, काइंडली बता दिया करें अगर क्लियर हो गया तो। और अगर स्टिल क्लियर नहीं हुआ तो वो भी बता दें। जी बेटा वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है, अगर रेट पहले लिखना है तो वो लिख लें, रेट लिख के मल्टीप्लाई कर दें या स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दें एज यू लाइक। कोई मीन वाइज अगर कंफ्यूजन कहीं और है तो बता दें। अच्छा मैं समटाइम्स देख इधर आता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपकी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करें। फाइव फॉर्म बेटा हमें चाहिए क्या कि हमें डिसाइड करना है कौन से यूनिट्स तो आउट हो गए, तो सबसे पहले आप सोल्ड यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे और सोल्ड यूनिट्स का फिर चेक करेंगे कि पहले कौन से सेल हुए हैं फिर कौन से हुए हैं और देयरफॉर फिर स्टॉक कहाँ से बचा। बाकी डेफिनेटली इसमें काफी वेरिएशन आ सकती है, तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। फिलहाल तो क्या हुआ कि ओपनिंग सारा बिक गया देयरफॉर प्रोडक्शन से, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग ही सारा सेल ना हुआ तो जितने यूनिट्स ओपनिंग से बचे होते फिर हम ओपनिंग का रेट निकालते, और फिर अगर प्रोडक्शन में से भी बचे हैं तो फिर हो सकता है एक से ज्यादा वर्किंग करनी पड़े। यहाँ मैंने ओपनिंग को कंसिडर ही क्यों नहीं किया इस वर्किंग में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो सारा सेल हो गया, तो फाइफो में आपने फिर एवरी रेट नहीं निकालना, फाइफो में आपने वहां से रेट कैलकुलेट करना है जहां से स्टॉक बचा है। वेटेड एवरेज में क्या करना है, इट्स इरेलेवेंट के कौन से यूनिट्स बिके हैं कौन से पड़े हैं, पूरे साल का पूरे पीरियड का रेट निकालना है और उसकी बेस पे स्टॉक से मल्टीप्लाई करना है। फाइफो में हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक कहाँ से बचा है और अकॉर्डिंगली फिर उसका रेट मल्टीप्लाई उसका रेट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करना। सर जी सोल्ड यूनिट्स की अगर अमाउंट निकालनी होगी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई है क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट भी आ सकती है, वो हमारे क्वेश्चन में उस्मान रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है उस्मान जी बेटा अमाउंट बताइएगा जरा काइंडली, लिख लिया ना सबने प्लीज नोट कर लिए, जरा अमाउंट बताइएगा फाइनली क्या 104,665,050 और सर जी 50 या 25 यही फर्क है। और बेटा एक ही बात है यार, ये इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, अगर आप पूरा रेट मतलब एज इट इज मल्टीप्लाई 5000 कर देंगे तो वो राउंडिंग ऑफ के बगैर मल्टीप्लाई हो गया यार, ना करें सर जी ऐसे। और अगर आपने रेट पहले कैलकुलेट किया है, जिन्होंने किया है जरा रेट बताएं कितना आया, 9.33
तो 3-3 पे अब राउंड ऑफ कर रहे हैं, अदरवाइज वो कैलकुलेटर पे शायद पूरा 3-3-3 चल रहा होगा। मतलब अगर वो 3-2-5 लिखेंगे तो थोड़ा सा 25 रुपए का फर्क आ गया यार। आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक एक रुपए का हिसाब जिंदगी में रखना चाहते हैं, हमेशा रखना है, लेकिन रियल लाइफ में खासतौर पर रखना, वहां अरबों खरबों भी राउंड ऑफ नहीं कर देने कि क्या फर्क पड़ता है, सब कर रहे हैं। वहां एक एक रुपए का हिसाब देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राउंडिंग ऑफ कर लें प्लीज। ठीक है सर, आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ईमानदार हैं, लेकिन ये कब भी कब याद रखना है असल में, जब भूल जाता है, कब भूल जाता है, जब वाकई इतने सारे आ रहे हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की हरगिज बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल प्लीज ये 25 रुपए अब ओके हैं सबके, तो आप भी ना काटिए अगर 2-5 है, और 5-0 वाले भी प्लीज नहीं काटें, लेकिन अब ये वैसे मेरा ख्याल खत्म कर ही लें। एक सवाल बेटा किया गया मेरे से उस्मान ने, आप लोग भी प्लीज सोचें जरा इस डेटा को, जरा देख के देखें, जरा क्वेश्चन देखें, क्या इस डेटा को देख के आप मुझे सेल की अमाउंट बता सकते हैं? सर जी पहले देखें तो सही है, सेल जब मैं कहता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है? सेल नहीं यार, खुदा के लिए कॉस्ट ऑफ सेल, बट अगर कॉस्ट ऑफ सेल कहना हो तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल कर, सेल का मतलब ये है कि फिनिश गुड्स की सेल के रेवेन्यू की अमाउंट, सेल प्राइस। यकीनन यूनिट सोल्ड हमने 7000 कैलकुलेट कर ली है, सेल मेटा मींस है इनकम स्टेटमेंट में लाए, सेल मींस फर्स्ट फिगर, और फर्स्ट फिगर मींस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट की इंफॉर्मेशन नहीं है, या कोई मार्कअप मार्जिन का डाटा भी नहीं है। ये बात जहन में है किसी के? तो परसेंटेजेस भी नहीं दी हुई कि हम कितने परसेंट प्रॉफिट ऐड करते हैं, लेकिन जरा जो मैंने वर्किंग आपके सामने की है, क्या इसकी बेस पे अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालना चाहें तो आ सकती है? जरा तरतीब से जहन में लाइएगा चीजें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट अवेलेबल है, प्लस 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 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट भी अवेलेबल है, और अगर फाइफो से वर्किंग कर रहे हैं तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी अवेलेबल है, और अगर वेटेड एवरेज से भी करना हो तब भी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर अवेलेबल है। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है इस डेटा से, 7000 यूनिट्स को जो बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि सेल प्राइसेस की इंफॉर्मेशन नहीं। क्या चीजें प्रॉफिट ऐड करके बेची जाती हैं? कॉस्ट पे नहीं बेची जाएंगी, कॉस्ट निकाल तो सकते हैं हम लेकिन सेल प्राइस तक नहीं पहुंच सकेंगे। मेरी बात समझ आई है सबको? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी लेकिन डेटा नहीं, और क्योंकि शायद क्वेश्चन में मांगा भी उसने नहीं हुआ, इसलिए शायद हमें प्रॉफिट्स वगैरह भी शायद नहीं निकालने, सिर्फ स्टॉक की फिगर ही है ना, और तो नहीं कोई रिक्वायरमेंट, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ही है ना सिंपली। बहरहाल ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया था। एवरीथिंग इज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ये उस्मान आपको क्लियर हो गया? अब इससे पहले कि हम कोई और कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन करें, बल्कि एक काम जरा कीजिएगा यार, इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में जाइएगा, जरा लास्ट पेज पे जरा एक क्वेश्चन जरा पहले घर के लिए होमवर्क और रखना जरा। साथ साथ प्लीज चलना है सर जी, एक एक क्वेश्चन घर के लिए जो दूंगा प्लीज करके आना। ये आपको सेकंड लास्ट पेज पे एक ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स के नाम से मिलेगा, सेकंड लास्ट पेज, पेज नंबर 22 है, मिल गए? तो एक नजर पड़ेंगे जरा, एक मिनट खुद से जरा पढ़ के देखें, बताएं कर लेंगे सॉल्व, पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के। ये क्वेश्चन जब अभी तक हमने किया शायद उसी से कुछ मिलता जुलता ही है,
लेकिन रिक्वायरमेंट शायद मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दी है जो अभी मैं बात कर रहा था, क्या रिक्वायरमेंट अब क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक ढूंढेंगे आप, और क्या ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढेंगे, अगर वो अवेलेबल ना हुई तो उसकी वर्किंग कर लेंगे, फिर क्या चाहिए होगा। और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट के लिए लास्ट लाइन जरा पढ़ना है, फाइफो की बेस पे आपसे वर्किंग रिक्वायर्ड है। तो आप बेटा इसको होमवर्क रख लें, कल फिर मैं डिस्कस कर लूंगा अगर कोई इसमें इशू आया। अच्छा एक काम जरा और कर लें, एक मिनट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें डेटा थाउजेंड्स में दिया हुआ है, तो थाउजेंड से कंफर्टेबल है, तो ये थाउजेंड्स में ही ट्राई कीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं भी फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके साथ फिर थाउजेंड्स में कोशिश करूंगा, जब थाउजेंड्स में डाटा होगा तो एग्जाम में टाइम सेव होगा, बार बार जीरोस लिखने की बजाय थाउजेंड्स में वर्किंग कीजिएगा। कोई इशू रह जाए, जहां जहां रह जाए प्लीज आइडेंटिफाई कीजिएगा, मुझसे कल डिस्कस कीजिएगा। मीन वाइल वापिस आप आ जाए क्वेश्चन नंबर फाइव पे, जरूर पढ़ना है सर जी डेली बेसिस पे जी, प्लीज होमवर्क है सर, HW लिखें। क्वेश्चन नंबर फाइव शुरू करें, पेज नंबर है 9। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 4 प्रोडक्ट्स, द रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2009 इज एज फॉलोस। एक नजर रिक्वायरमेंट की तरफ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार बेटा अगर प्रोडक्ट्स हैं A, B, C एंड D, तो ऑब्वियसली आप फिर अलहदा अलहदा वर्किंग्स करेंगे, प्रोडक्ट ए का अलहदा, B, C, D अलहदा, रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ए की तरफ आए। जरा एक छोटा सा स्टार्ट में इशू है, जरा गौर से देखें, ओपनिंग स्टॉक एक हेडिंग है, 10,000 ए के यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट 10,000 है और NRV याद है, सॉरी कॉस्ट 70,000 है, सॉरी NRV बर्ड याद है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 75,000 है। क्या स्टॉक इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV? क्या ओपनिंग स्टॉक इज आल्सो मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV? ओपनिंग स्टॉक कहते हैं किसको, है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, तो क्या प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे ही मेजर हुआ होगा? तो क्या जो पिछले साल क्लोजिंग अमाउंट होगी वही एज इट इज ओपनिंग होगी? तो यकीनन आप कह ले चलें स्टॉक इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, तो बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी में तो ओपनिंग बनना है ना बाद में भी है। तो बताएंगे व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, हम 70 लेंगे या 75 लेंगे, लोअर लेंगे सर, तो 10,000 यूनिट्स की फाइनल वैल्यू 70,000। 100% क्लियर है बात, आगे बढ़े पहले ए कंप्लीट करें, फिर फर्दर यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस सिंपली शुड बी अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सोचें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही को कह रहे होंगे, तो कितनी कॉस्ट है जी, 4 लाख, डेटा कैलकुलेट हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 5,000 है और प्रोडक्ट ए और बी को आपने वेटेड एवरेज से सॉल्व करना है मेरे साथ, और सी और डी को फिर आपने फाइफो से करना है। करें शुरू, मैं भी करता हूं, या इस तरह करें, आप करके दिखाएं जरा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के 5,000 यूनिट्स की स्टॉक की वर्किंग करें, ना करें ना करें सर ना करें, कोई बात अगर करनी है प्लीज मेरे से करें, मैं इतनी दूर से इसीलिए आया हूं कि मेरे से बातें की जाए। कुछ करें सर, कर लिए, करें नहीं बेटा, अगर पर यूनिट दी होती तो बताया होता शायद, सिंपली क्या लिखा हुआ है, 10,000 यूनिट्स, कॉस्ट 70,000, NRV 75,000, पर यूनिट लिखा होता तो शायद पर यूनिट होता। प्लीज बेटा इस तरह नहीं करें, प्लीज यार सर जी प्लीज नहीं करें,
सही सीक्वेंस होना चाहिए बस चीज का, क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? रेट, बिल्कुल ठीक है। रेट का फॉर्मूला जहन में रख के फिगर्स ढूंढना, 70,000 ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अगर अवेलेबल है तो यूज करें, 4 लाख, जीडीए डिवाइड बाय 10,000 ओपनिंग यूनिट्स प्लस 50,000 प्रोड्यूस यूनिट्स। हिम्मत करें, हिम्मत करें। अब ये डेफिनेटली आपकी चॉइस है कि पहले रेट निकाल के फिर यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, चॉइस आपके, देख लें। और राउंडिंग ऑफ का प्लीज कोई इशू नहीं है, 7.83 पर यूनिट। लास्ट स्टेप 5,000 इंटू रेट 39,150 बी करें, ये जो मैं फिगर्स लिख रहा हूँ नजर आ रही नहीं, मैंने सही नजर आ पड़ी जा रही। वंस अगेन वेटेड एवरेज से बी का, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट क्या है जी, 110 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 प्लस 60,000 ठीक है बेटा, कतला जी, रेट क्या आएगा जी बी का, 9.47। ये ओपनिंग स्टॉक 110 लेना है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी चेक कर लें दोबारा, सही लग रहा है 9.47। और इसकी बेस पे फिर नाइन फोर सेवन डबल जीरो जी सर जी, ए और बी जरा फाइनल कर लें, कोई ए और बी की वर्किंग में कंफ्यूजन है तो बता दें। ये दानियल पहले कॉस्ट पर यूनिट आ रही है और फिर उसको जब यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब अमाउंट आएगी यार। जी सर जी, स्टॉक इज मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरबी, मिस्टर अब्दुल्ला क्या हो गया? सर जी क्वेश्चन में पर यूनिट तो गिवन नहीं, पर यूनिट तो नहीं लिखा हुआ सवाल में, आपको कैसे पता चला है कि 70,000 75,000 पर यूनिट गिवन है? अमाउंट गिवन है यार, पर यूनिट लिखा हो तो तभी होगा ना ये। जी बेटा, ए और बी फाइनल है सर? नहीं, इंट्रो में नहीं पढ़ा।
नहीं थोड़ा सा तो नहीं बेटा, ये तो मेरा ख्याल लंबी बहस है। नहीं उसको समझाना है, इंट्रो पढ़नी है अभी आपने? नहीं इसके साथ पढ़नी, तो फिर इंट्रो में समझेंगे। ये नहीं मतलब 1-2 मिनट में अगर समझाना होता तो मैं 1 मिनट में समझा देता, लेकिन बात बनेगी नहीं। बस फिलहाल ये जेन में रखना, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, फिलहाल एक प्रिंसिपल जेन में रखना, जब भी कभी इंट्रो पढ़ेंगे उस वक्त डिटेल में डिस्कस करना। फिलहाल आप अगर आप एक नोट लिख लेना साथ, एक लिखे स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। बाकी फिर ये क्यों है, कैसे है, एनआरवी होती क्या है? इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट, और फिर ये एनआरवी होती क्या है, ये तो फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये बेटा ए और बी कंप्लीट है सबका? और सर जी कंप्लीट है। अच्छा बेटा सी जो है ना ये फाइफो से करना है, तो पहले इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 निकालें रजिस्टर में से, जल्दी 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 जल्दी। ये जो भी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने फाइफो से जिस तरीके से किया ना, जिस तरह मैंने 3-4 फिगर्स प्रेजेंट करके किए, आई रिक्वेस्ट उसको देख के सी को एग्जैक्टली वैसे ही करें प्लीज। एक फॉर्मेट्स वगैरह भी को थोड़े से ज़हन में लें। क्वेश्चन नंबर 4 एनकेएल वाला जो मैंने भी क्लास के स्टार्ट में फाइफो से किया है आज, उसमें मैंने जिस तरीके से डेटा प्रेजेंट किया था एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट करें, बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि 16 यूनिट्स चाहिए होते हैं, तो रिस्पेक्टिव फिगर्स प्रेजेंट कर लें। वेटेड एवरेज इसलिए जरा सिंपल हो जाता है क्योंकि हमने ये डिसीजन नहीं लेना होता है यूनिट्स बिके कितने हैं, लेकिन फाइफो में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि यूनिट्स थे कितने, फिर बने कितने, फिर रह कितने गए, फिर बिके कितने। जी सी का जरा डेटा अरेंज करवाए, ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं और उनके फाइनल अमाउंट सेलेक्ट कर दें। 180 मतलब सेम ही है। यूनिट्स बने कितने, 75,000। बनाने की कॉस्ट क्या आई, 825,000। स्टॉक में बचे कितने, 15,000। तो सेल कितने हुए होंगे कैलकुलेट करें, 80,000। सीरियसली अब 80,000 यूनिट्स का ब्रेकअप सोचें, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि 15,000 यूनिट्स कहां से बचें। ठीक है वैसे है इजी डेफिनेटली, लेकिन प्लीज प्रेजेंट करके लिखिएगा। फिगर्स प्रेजेंट कीजिएगा अपने पास। ये लास्ट लाइंस में जो बेटा हजरात है, अगर फिगर मेरी पढ़ी ना जा रही हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मतलब कुछ छोटा अगर फॉन्ट लग रहा है तो मुझे एक्सप्लेन बता दीजिएगा, वैसे तो मैं मुसलसल पूछ रहा हूँ। जी सर क्या ओपनिंग बिक गए होंगे, ओपनिंग बिक गए होंगे सर। स्टॉक फिर कहां से बचा होगा, प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन से रेट निकालें, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 इज इक्वल टू 165,000। वाइंड अप कर दें डी की वर्किंग। जी फ्रेंड्स सी हो गया सर। डियर फ्रेंड्स किस फ्रेंड को बुलाना सर, मैं बुला लेता हूँ, क्या हो गया यार। डी भी कर दे सर, डी रह गया।
जी यूनिट सोल्ड। तो इसमें बेटा ओपनिंग सेल हो गया होगा, बस यही देखना होता है। लेकिन इन शॉर्टकट्स पॉसिबल हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। फिलहाल एक लर्निंग प्रोसेस में आप हैं, तो प्रेजेंट करें सब कुछ। 288,000 जी, सब कुछ क्लियर है सर। मैंने बेटा डेटा में एक चेंज करना है, जरा अगर कंप्लीट कर लिया तो मुझे बता दें। कोई लिख तो नहीं रहा? जो लिख रहे हैं जरा कंप्लीट करना। जी जी साकिब लिखा, साकिब उमर लिख के बता दो। जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज करना। जी सलीम, अगर आपने किसी और तरीके से प्रेजेंट करना है तो वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद चलेगा सर। जी सर जी, नोटेड है। इसी के आगे जहां पहुंचे हैं आप, एक सेंटेंस लिखे अंदर। इफ सपोज, इसी सी की तरतीब में जहां रजिस्टर में आप हैं उसी से आगे प्रोडक्ट डी के बाद, इफ सपोज क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी वर 1,05,000 इंस्टेड ऑफ 24,000। डी में बस एक चेंज ये कर रहा हूं कि 24,000 यूनिट्स की जगह सपोज स्टॉक के 1,05,000 यूनिट्स हैं। समझ आ गया प्लीज कहां चेंज कर रहा हूं? इफ सपोज क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी वर 1,05,000 इंस्टेड ऑफ 24,000। अब एक मिनट पहले क्वेश्चन देखिएगा अपना, ये लिख लिया अगर, ये पॉसिबल भी है। 1,00,000 तो बने हैं यार, 1,00,000 अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो 105 कैसे बच गए? इसका मतलब कुछ ओपनिंग से भी बचे होंगे। तो जरा ट्राई करेंगे आप, जरा 1,05,000 यूनिट्स की कॉस्ट कैसे आएगी बाय यूजिंग फाइफो से करना करें, करके देखें जरा। कुछ सोच सकते हैं आप या नहीं? ट्राई करें। एवरी अदर थिंग इज सेम इन दिस डाटा एक्सेप्ट कि क्लोजिंग 24,000 की बजाय 1,05,000 है। जस्ट एक मिनट, तो वन सेकेंड बेटा आप डिसीजन लेंगे कि कितने यूनिट सेल हुए हैं बिकॉज यू आर यूजिंग फाइफो। तो ये शायद आंसर आएगा 20,000 यूनिट्स अब सेल हुए हैं। पहले तो ये बता दें यहाँ तक पहुंच गए सारे। 25,000 बेटा अवेलेबल थे, 1,00,000 बने, टोटल 125 हो गए। अगर 1,05,000 यूनिट्स बचे हैं तो 20,000 सेल हुए होंगे। कहाँ से हुए होंगे? लेकिन ओपनिंग तो फिर 25,000 है।
अब क्लोजिंग स्टॉक का फिर ब्रेकअप बेटा ये कि 5,000 यूनिट्स ओपनिंग में से बचे हैं और 1 लाख प्रोडक्शन वाले सारे फिर एज इट इज यूनिट्स बचे होंगे यार, तो इस केस में फिर अब रेट कहां से पहले निकालूं? ओपनिंग में से रेट इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि कुछ यूनिट्स वहां से बचे हैं, तो 3 लाख डिवाइड बाय 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 वहां से बचे हैं, ठीक है, तो उन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट ओपनिंग में से आ जाएगी, और क्या जो बाकी 1 लाख है उनकी कॉस्ट स्ट्रेट वे में 1 लाख 12 लाख लिख सकता हूँ इस तरह करके? जो 1 लाख यूनिट्स है वो तो पूरी बच गए, तो उसको अगर मैं डिवाइड बाय 1 लाख करूंगा भी तो इवन देन उसको मल्टीप्लाइड बाय भी 1 लाख ही करूंगा। एक मिनट पहले बात पूरी सुन लें, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? ये डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 105 नहीं होगा, 1 लाख में से 1 लाख ही बचेंगे ना, बाकी 5,000 तो फिर ओपनिंग में से बचे हैं, तो ये ओपनिंग का 3 लाख लिया मैंने डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5,000 यूनिट्स जो ओपनिंग में से बचे होंगे। क्लियर करें प्लीज, पहले क्लियर करें, तो ये पहले 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही जो ओपनिंग में से बचे हैं और 1 लाख प्रोडक्शन वाले सारे के सारे एज इट इज बचे होंगे क्योंकि सेल हुई सिर्फ ओपनिंग में से है, तो उसको एज इट इज 12 लाख को प्लस कर लें या 12 लाख की पर यूनिट कॉस्ट निकाल के 1 लाख से दोबारा मल्टीप्लाई कर लें। पहले बता दें क्लियर हो गया? Yes, आप करें नोट, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा बिलाल 1,05,000 यूनिट्स हैं, दोबारा सुने प्लीज अगर क्लियर नहीं है, 20,000 यूनिट सेल हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का, 25,000 यूनिट्स 25,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है, तो अगर 20,000 यूनिट सेल हुए हैं और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली ओपनिंग में से 20,000 सेल हुए होंगे, लेकिन क्या इसका ऑब्वियसली फिर मतलब ये भी है कि 5,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक के ही क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद होंगे और 1 लाख का 1 लाख एज इट इज अवेलेबल होगा अगर क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 है, ठीक है बिलाल समझ आ गए? जी डियर आंसर जरा बता दीजिए, आप लोगों को क्लियर है ना प्लीज, सबको बताइएगा आंसर? 1,260,000। Any other confusion anywhere? Then बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जरा 7 पे एक और कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लें, जरा टाइम है, पहले जरा 7 पे कर लें यार। वैसे तो ये अभी अब चीजें सारी मैक्सिमम वीडियो होनी है, लेकिन डिफरेंट केसेस में डेटा जरा डिफरेंट तरीकों से दिया होता है, तो उसको फिर कैसे आपने पिक करना है डेटा को, ये शायद अब हमने समझना है। तो पहले जरा क्वेश्चन नंबर 7 न्यू कूल लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, इसकी रिक्वायरमेंट्स आई थिंक पहले जरा नेक्स्ट पेज पे होंगी। जी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जरा जहन में बनाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट अगर मांग रहा है तो क्या जहन में आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल स्टेटमेंट कैसे बनेगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेंगे, अब सेल अमाउंट निकालनी ना, कॉस्ट निकालनी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स ही को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। तो चीजें तो ये चार चाहिए, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल ना हुई तो उसके लिए फिर हम वर्किंग करेंगे जिससे हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 में किए। नंबर 2, यहां अगर जरूरत पड़ी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की यूनिट कॉस्ट की तो उसके लिए फिर वो मेथड फाइफो कह रहा है आपको, यूनिट कॉस्ट सिंपली मींस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, लिख लें जरा साथ, यूनिट कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यूनिट कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट, और इसके साथ वो ब्रैकेट में कह रहा है कि फाइफो से वर्किंग करनी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको फिर वेटेड एवरेज भी रिवाइज कराऊंगा, और फाइनली फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट तक आना है। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल,
और फिर वो मैं आपको बता दूंगा कि पर यूनिट अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है उसका तरीका क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का तो पता ना हमें, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से करने होते हैं वो फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। आप लोग इस तरह करें, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जेन में रखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, जरा आप पिछले पेज पे आए, डाटा पढ़े मेरे साथ। नहीं बेटा 105 पे कंबाइंड रेट नहीं लगा सकते, जस्ट एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा कि मैं उसका जवाब दे दूं। बेटा 105 का एक कॉमन रेट है ही नहीं। 105 में से जो 5000 है ये ओपनिंग में से बचे हुए यूनिट्स, तो इनका जो रेट है बेटा वो ओपनिंग से आएगा, और जो यूनिट्स प्रोडक्शन में से बचे हैं 1 लाख, उनका फिर हमें रेट अलग करना पड़ेगा। ये रेट कंबाइन नहीं हो सकेगा, हमें अलग अलग वर्किंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि 5000 यूनिट्स लेफ्ट फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक एंड द रिमेनिंग 1 लाख यूनिट्स आर एज इट इज लेफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन फॉर द ईयर। जी ठीक है, क्लियर है? नहीं वो बेटा अगर आ रहा रेट तो बाई चांस सेम आ रहा है इसी शायद लगा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपली स्पीकिंग अलहदा अलहदा वर्किंग होनी चाहिए, वो शायद बाई चांस अगर आप कह रहे हैं तो रेट सेम आ गया, ठीक है वो मान लेता हूँ मैं। ठीक है मिस्टर एमर, जी सर जी सर, आप क्वेश्चन मेरे साथ रीड करेंगे। द फॉलोइंग डेटा इज इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू कूल कंपनी लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स एयर कंडीशनर्स, और फॉर द ईयर एंडेड 2015 का डेटा मेड अवेलेबल टू यू। रॉ मटेरियल परचेज है सर, डायरेक्ट लेबर है, अपने जेन में स्टोरी बनाते रहे। फ्यूल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट लेबर, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का क्या करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग करते हुए परचेजेस में ऐड करेंगे कस्टम ड्यूटी, कैरिज इनवर्ट्स की तरह। अगर आपने कस्टम ड्यूटी तभी रेलिवेंट होती है अगर आपने पाकिस्तान से बाहर से चीजें खरीदी हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ परचेज। ये चीजें भूली भी लग रही है मुझे वैसे, ये सुनिए कभी, जब मैं बोलता रहता हूँ रोज ही इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी का वर्ड सुना कभी? बट वो परचेज कॉस्ट में ऐड होगा ना, इट मींस अगर हम चीजें खरीद रहे थे तो उनको खरीदते हुए जो रेलिवेंट कॉस्ट आई हैं जो टू ब्रिंग द आइटम्स इनटू द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है वो सारी ऐड हो जाएंगी एसेट की कॉस्ट में, इन इस केस में परचेज की कॉस्ट में। कोई कंफ्यूजन प्लीज? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, हेड ऑफिस एच ओ स्टैंड फॉर हेड ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एडमिन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, कंसंट्रेशन से नेक्स्ट पढ़े प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये अदर इनकम, ये गेन ऑन डिस्पोजल है, सोचें जरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल याद है? डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल अकाउंट सर जी, नहीं जेन में, उसमें गेन आया हुआ है, अगर उसका गेन है तो अदर इनकम में आएगा, अदर इनकम किधर आती है? इनकम स्टेटमेंट में किधर आती है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। तो इसका शायद अगले पेज पर रिक्वायरमेंट देखें, इसका शायद हमारे क्वेश्चन से लिंक ही नहीं है क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट में बस ग्रॉस प्रॉफिट तक बनानी है, ठीक है, लेकिन अगर पूरी बनानी होती तो इट शुड बी पार्ट ऑफ अदर इनकम। वापिस आ रहे हैं, फिर इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो अदर इनकम, फिर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी। एक बड़ा जरा नई नई चीज आ रही है, जरा सर्कल लगा लें या हाईलाइट कर लें सर, डिविडेंड पेड, नहीं नहीं छोड़ दे सर, ना 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 कुछ नहीं बताना मुझे। आप सबसे पहले मुझे पुरानी एक चीज जरा याद करवा दें, अगर मैं आपके सामने वर्ड बोलूं ड्राइंग्स पेड, ड्राइंग्स पेड तो एंट्री बता देंगे जरा सर जी, ड्राइंग्स की एंट्री प्लीज बता देंगे यार, ड्राइंग्स डेट कैश क्रेडिट, पेड पेमेंट के, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अगर अपने जेहन में जरा इनकम स्टेटमेंट बनाए जरा जेहन में,
दोनों ड्राइंग का आती हैं। इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, मैंने भी सोचा आपके साथ मिलके, नहीं आती। आप बैलेंस शीट देने बनाए, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, नॉन करंट करंट एसेट्स, इक्विटी, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब बेटा ये जो ड्राइंग्स का वर्ड है ना, ये यूज होता है अगर सोल प्रोप्राइटर हो, एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो और पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल ले। इवन पार्टनरशिप भी अगर बिजनेस है तो पार्टनर्स भी ड्राइंग्स करते हैं, सोचें पता आपको। लेकिन अगर कंपनी के नाम से बिजनेस हो रहा हो ना, ये शायद आप में से मेजोरिटी ने लॉ पढ़ा होगा, कंपनी के नाम से अगर बिजनेस हो रहा हो और कंपनी के ओनर्स मीन्स शेयर होल्डर्स अगर बिजनेस से, बिजनेस के प्रॉफिट में से शेयर लें, कंपनी के ओनर्स मीन्स शेयर होल्डर्स अगर बिजनेस के प्रॉफिट में से शेयर लें, तो देन वर्ड ड्रॉइंग्स की बजाय डिविडेंड हो जाता है। तो देयर फॉर कंसंट्रेशन सोच के बताइएगा, देयर फॉर व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड? इट सिंपली स्पीकिंग मैं कहना ये चाह रहा हूं, डिविडेंड जो है ये ड्रॉइंग्स ऑफ शेयर होल्डर था। लेकिन कंपनी के केस में मैं लिखवाता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, अब टेंशन ना ले, मैं एक मिनट लिखवा दूंगा सब कुछ जो कह रहा हूँ, और फिर इसकी बड़ी डिटेल बहस आगे भी आएगी, सब कुछ लिखवाता हूँ। पहले कंसंट्रेशन सुने दो। जो वर्ड ड्रॉइंग्स यूज होता है सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में, वही वर्ड रिप्लेस हो जाता है ड्रॉइंग्स का बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनीज। तो शेयर होल्डर्स प्रॉफिट में से अगर अपना शेयर लेंगे तो फिर हम ड्रॉइंग्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर वर्ड क्या यूज होगा? डिविडेंड। और इसका इसका मतलब फिर ये हुआ, ये है ड्रॉइंग्स की तरह की चीज ही। तो देयर फॉर ड्रॉइंग्स की एंट्री अगर हम सामने रखें अपने, तो डिविडेंड की एंट्री भी होनी चाहिए, डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये फाइनली आप बता दें, अगर ड्रॉइंग्स इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती तो क्या फिर डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में आएगा? ये भी नहीं आएगा, ये भी कहां से लेस होगा? ये भी कंपनी का प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा उसमें से फिर लेस होगा। तो ड्रॉइंग्स इस टाइम इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। इसी तरह डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इन द बैलेंस शीट। अब जो मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ उसको समराइज फॉर्म में अपने पास, मेरा ख्याल है पेज के नीचे जगह है, ये लास्ट ही वर्ड है ना शायद, इसके नीचे दो लाइनें हैं, वहीं अपने नोट्स में लिख लो। बाकी बहरहाल इसकी बड़ी और लंबी बहसें अभी आगे आएंगी, थोड़ा सा अगर आइडिया आज ही हो जाए तो बेहतर है। डिविडेंड मीन्स लिखें, पूरी होने लेने दें, फिर आपका जरा मैं क्वेश्चन का जवाब भी देता हूँ, शायद वैसे क्लियर हो जाए। डिविडेंड मींस क्या लिखा रहा हूँ? शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इस सेंटेंस में जितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, इन सब वर्ड्स का पता आपको? कंपनी, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ओनर। कंपनी का ओनर शेयर होल्डर इज सिंपली कंपनीज ओनर। तो कंपनी के ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, कैपिटल दिए। अब बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर उसका राइट बनता है कि उस प्रॉफिट में से उसको शेयर मिले। तो वो जो प्रॉफिट में से शेयर मिल रहा होता है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। साथ ही जी सर जी, सिंगल मेंबर कंपनी मेरा ख्याल हमारे सिलेबस में भी नहीं है जो इस इधर, और उसका मुझे एग्जैक्टली वैसे याद नहीं क्योंकि मैंने लॉ बहुत अरसे पहले पढ़ा था। मेरा ख्याल अगर कंपनी है तो वर्ड यही होगा, मेरा वैसे मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन बहरहाल जो कंपनीज हमारे सिलेबस में है वहाँ वर्ड ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है, वहाँ डिविडेंड ही होगा। तो सिंगल मेंबर मेरे एग्जैक्टली जहन में नहीं, मैं आज देख लेता हूँ। ठीक है, वैसे है उसमें कोई फर्क? मेरा वैसे ख्याल ये है कि कंपनी अगर है तो वर्ड डिविडेंड ही है, बहरहाल मैं चेक कर लेता हूँ। ये बड़ा, अब इसके साथ अगर थोड़ी सी जगह और बना के कम से कम इसकी एक एंट्री लिख लें, लिखें इसके साथ क्या है, डिविडेंड की एंट्री पता चल गई आज हमें, डिविडेंड डेबिट एंड कैश क्रेडिट। क्या भी कुछ पूछ रहे हैं? और आखिरी चीज बस ये है
कि ये एंट्री गौर से जरा सामने रखें अपने, और अगर बताएं हमने डिविडेंड डेबिट किया है तो इनकम स्टेटमेंट में कहाँ नजर आएगा? ये बिल्कुल उसी तरह से कहीं नजर नहीं आएगा जिस तरह ड्रॉइंग्स नजर नहीं आती। ड्रॉइंग्स कहाँ नजर आएंगी? तो ये भी वही नजर आएगा जहां ड्रॉइंग्स होती हैं। तो डिविडेंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स। मेरा ख्याल ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना तो लिखना। अगर लिखना है तो क्या बोला मैंने, डिविडेंड इज जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स देयरफॉर नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जिस तरह ड्रॉइंग्स कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रॉइंग्स भी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह डिविडेंड इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मेरी बात सर? जी सगीर, आपने बेटा ये जो वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए हैं, मुझे लग रहा है कि आपने कभी पहले FR1 में कभी सुना हुआ कुछ, तो हम बच्चों के सामने ये वर्ड्स नहीं बोलना चाह रहा कुछ दिन बाद। सही, फाइनली काइंडली बता दें डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट तक जो मैंने बात की है, और इस एंट्री का फैक्ट ये है कि डिविडेंड प्रॉफिट में से लेस होगा और कैश क्रेडिट मीन्स करंट एसेट में से कैश कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंट्री है इट हैज नो इफेक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट, ना डेबिट करने से और ना क्रेडिट करने से। कैश क्रेडिट होने से एसेट्स कम होंगे और डिविडेंड डेबिट होने से प्रॉफिट कम होगा, या अल्टीमेटली आप कह लें इक्विटी कम हो जाएगी। इक्विटी वर्ड है ना जेन में, तो इसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में इक्विटी में कम होगा और दूसरा इफेक्ट इसका करंट एसेट्स में कैश में से कम होगा। जी सर, वो तो आई कैप के पंगे हमारे साथ हैं, तो उन पंगों को आप छोड़ें, जो इस वक्त बेस्ट चल रही है उस पे आ जाएं जरा। जी माय डियर, कोई और कंफ्यूजन तो नहीं? अब जी नेक्स्ट पेज पे दो तीन लाइनें और हैं, माला सॉरी एक सेकंड, सॉरी आप फाइनली ये बता दें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जरा, ये डिविडेंड के बारे में जरा बता दें हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये डिविडेंड पेड कहाँ 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 आएगा? कहीं कहीं और कहीं नहीं आएगा। तीन रिक्वायरमेंट है ना, असल में तीन दफा पूछा मैंने। जी नेक्स्ट पेज सर। देन बेटा, फिर एयर कंडीशनर्स का बिजनेस था हमारा, तो शायद ये फिनिश गुड्स होंगे, तो उसकी फिर ओपनिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स दिए हैं। नेक्स्ट पेज का स्टार्ट, और क्लोजिंग इन्वेंटरी के भी यूनिट्स दिए हैं, और फाइनली एक लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ एयर कंडीशनर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर की इन्फॉर्मेशन है 7760 यूनिट्स, और एक यूनिट फिर कितने का सेल हो गया है? अब यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट अगर हम करेंगे तो हमारे पास पे सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, जो शायद रिक्वायरमेंट नंबर 3 में फिर हमें जरूरत पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो डाटा हमने पढ़ा है, हमारे पास तकरीबन 20 मिनट है अभी, तो रिक्वायरमेंट 1 इंशाल्लाह कर लेते हैं। शुरू करेंगे, रजिस्टर खोलें। जी उस्मान, ये कर तो लेंगे यार, लेकिन क्लास में क्या करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना यार। सर जी, जो घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ वो यकीनन कीजिएगा, जज्बाती ना हो। ये असल में ये जो फ्यूचर में टेंस होता है, ये जो सेंटेंस बनाते हैं ना आप, कर लेंगे, ये पास्ट में कन्वर्ट कम कम ही होता है। जब मैं क्लास में पूछता ना सबने कर लिया, तो वो एक दो बंदा जिन्होंने किया होता ना ऊंची बोल देते हैं, और वो सबकी तरफ से हो जाती है आवाज। ऐसे ही है ना सर, मेरे जैसे कई बैठे होते हैं जिन्हें घर जाके टाइम ही नहीं मिला। ये डियर स्टेटमेंट्स की हेडिंग लिखें आप लोग, मैं जस्ट एक मिनट जरा स्पेस क्रिएट कर लूंगा। सर जी, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, न्यू कूल कंपनी लिमिटेड नाम लिखें, रिक्वायरमेंट है। आप लोग मेरा ख्याल ये देख रहे हैं कि बोर्ड कैसे साफ हो रहा है, उन्होंने जैसे सर। सर जी, हमारा ये चैलेंज नहीं है कि आप नीचे झुक के बातें शुरू कर दें और फिर बाद में जाते हुए ये भी कह दें देखा मैंने पता नहीं चलने दिया।
सर जी बड़ा आइडियल टाइम अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, एक एक चेयर भी साइड खाली है, आराम से इजी हो के पढ़े, जस्ट लाइक इन शायद एग्जाम हॉल वैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है। साथ वाले दोस्त तंग भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं हम तो नहीं कर रहे। सीरियसली सर चीजें अगर समझ आ रही हैं तो फिर और क्या चाहिए, खत्म करें फिर सर। आवाज नहीं बड़ा प्लीज आए जी। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? प्लीज ये रेलिवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, फॉर द ईयर, अब ईयर एंड कोई नहीं बताया, बस फॉर द ईयर 15 लिखा हुआ जी। स्टार्टिंग पॉइंट चीजें आप सही तरह से इनमें सेट करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अच्छा इसकी डेफिनेटली हमें अमाउंट चाहिए इस वक्त, ये यूनिट चाहिए तो अमाउंट गिवन है, इसकी ढूंढना। सेकंड लास्ट लाइन प्रीवियस पेज पे, 228795 ढूंढे 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 ढूंढे। कॉस्ट की स्टेटमेंट बनानी, अमाउंट चाहिए, सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द प्रीवियस पेज। प्लस क्या होना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसकी वर्किंग वन पे जाए उसी तरह जैसा कल गए थे। हमें क्लोजिंग भी चाहिए, फिर वर्किंग करेंगे, दो तीन लाइनें रखनी नीचे, तीन चार वर्किंग वन बनाए। बस अब मैं रुकने लगा हूं, अपने वर्किंग खुद करनी है। फाइंड आउट करें जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये अगर लाइट की कम हो तो ये ऑन कर लो, सफिशिएंट है वो, बस ऑन हो जाएगी अगर करनी है। जी सर जी, अब स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है, खुद से सॉल्व करना माय डियर। every other thing is part of active rates except the factory rates fuel consumed, but by default factories mein machine generators fuel ji, means the transportation cost ya petrol cost ko type hoga, agar ko specifically is tarah se bataya to theek hai। अब कस्टम ड्यूटी जो है ये परचेजेस से रिलेटेड है, और ये राइट टाइम पर याद आनी चाहिए चीजें, रिटर्न्स भी देखें, कैरी इनवर्ड्स ढूंढने, कस्टम ड्यूटीज ढूंढने, मिस कर दिया तो बाद में सारी फिगर्स गलत हो जानी। कस्टम ड्यूटी मिस होगी मेरे ख्याल नहीं, मेरे सामने जो भाई है इनकी होगी। क्या हो गया सर?
जी बेटा, असल आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो मेरी भी नजर पड़ी है। ये फर्स्ट लाइन पढ़े, बिजनेस एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का है, तो देयर फॉर फिनिश गुड्स है। ठीक है सर, तो ये किन चक्रों में भी पड़ गए हैं? जी जमाल साहब, एक्सपेंसेस में जाएगा, फाइन्स एंड पेनल्टी किसके नाम से? आप बेटा कंप्लीट करें, कंप्लीट करें, पूरा बना लें। कितना आंसर? ठीक ठीक हो गया, सही है, आगे करें कोशिश, कोशिश करें तो वो पहले फाइंड आउट कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी किए, कल क्वेश्चन नंबर 4 में भी किए, 5-4 मेथड से कोशिश करें। क्लोजिंग स्टॉक के अगर यूनिट्स हैं, फ्यूल कंज्यूम सभी किसमें रहेगा जी? आप लोगों का क्या ख्याल है जो बैठे मेरे सामने? फैक्ट्री एवरेज है ऑफिस साहब, ऑफिस मोहम्मद अब्दुल्ला, कोशिश किया करें यार, एकदम सरेंडर कर देते हैं। नहीं बेटा, यूनिट्स बताए मैं, नेक्स्ट पेज पे क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश एसीस के यूनिट्स बताए मैं, तब बेटा वर्किंग प्रोसेस चला था, बताया हुआ ना पिछले पेज पे बेटा, आपको एयर कंडीशनर जो ऊपर लिखे हुए हैं और एयर कंडीशनर का बिजनेस है ना, वो बना रहे हैं हम, तो एयर कंडीशन पे फिनिश गुड्स ही होंगे। फिनिश गुड्स है क्योंकि सर जी दानियाल, जो फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस हो मटेरियल और लेबर के अलावा, वो फैक्ट्री एवरेज का पार्ट बनेगा यार। वहां पे हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन डेफिनेटली बेटा इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। फाइनल करें ये बातें, फाइनल करें प्लीज, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछने बनते नहीं है। सर बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन अब अगर नहीं पता तो इसलिए तो सर जी, अगर मेंशन नहीं है तभी तो कह रहा हूँ दानियल, अगर ये हेड ऑफिस से रिलेटेड होता, एडमिन रिलेटेड होता, तो फिर डेफिनेटली हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते। और सर जी मिस्टर मोहम्मद दानियाल, बेटा ऐसे ना करें, क्वेश्चन पढ़े प्लीज, फर्स्ट लाइन पढ़े, एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एयर कंडीशनर्स ही फिनिश गुड्स हैं यार, क्या हो गया? एयर कंडीशनर्स ही फिनिश गुड्स हैं और उसके ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स भी दी हुए हैं और एयर कंडीशनर्स की ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट भी दी हुई है, ना करें सर जी, कैसे पढ़ रहे हैं सवाल? बेटा प्लीज इस तरह नहीं करें, आवाजें नहीं आए प्लीज, इंडिविजुअली करें सर। सर जी क्या बहस छिड़ गई है सर, अगर आपस में पूछ के करना था फिर मैं लिख देता हूँ यार। अगर किसी के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 6138000 आ गई है तो आप आगे कंप्लीट करने की कोशिश करें। हाँ जी, 6138000 अगर आ गई है तो आगे चलें, बिल्कुल आवाजें नहीं आए, कंप्लीट साइलेंस। और अगर किसी की फिगर्स ठीक नहीं है तो मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं फिर मैच कर लें, आपस में नहीं पूछें।
ये बेटा उसी तरह जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किए, 5 4 ट्राई करें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स अवेलेबल हैं, 5 4 मेथड से वर्किंग करनी है, डेटा ट्राई करें ढूंढने की कोशिश करें। अगर याद ना आए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 5 देखें, खुद से ट्राई करें, बनता है कि हो जाएगा। थ्री डबल टू नाइन 400 ये थी रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये मेरी तरफ फिगर चेक कर लीजिएगा सही। प्राइम कॉस्ट बेटा बनेगी 40 54000 या 400 40 54 400 है ना। ठीक है ठीक, नहीं बेटा पर यूनिट सेल प्राइस, सेल प्राइस पे स्टॉक थोड़ी मल्टीप्लाई होगा। सच्ची क्या हो गया, सोचे हिम्मत करें ऐसे ना करें। क्या स्टॉक इज मेजर्ड एट सेलिंग प्राइस? एनआरवी पे कब होता है? जब वो लोअर हो तो पहले कॉस्ट पता निकालेंगे तभी पता चलेगा ना कि कहीं वो है कितनी। जी बेटा ये प्राइम कॉस्ट तक क्लियर है मेरे साथ? जिनका आंसर अभी मैच नहीं हुआ 6138 उधर मेरे साथ मैच करने फिगर्स। जी हाफिज उस्मान हमजा सही कह रहे हैं आप। फैक्ट्री एवरेज में फ्यूल कंज्यूम्ड इज 1260 इनडायरेक्ट लेबर 206 800 फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 95 800 फैक्ट्री डेप्रिसिएशन 442 700 हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड पेड। ये जो मैंने चार चीजें छोड़ी हैं ये सबको पता है क्यों छोड़ी हैं? बेटा हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन जो है एडमिन एक्सपेंसेस में आएगी। मोहम्मद अहमद क्या कर रहे हैं? बेटा अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने यूनिट थोड़ी लेने हैं। आकिब हमने यूनिट्स थोड़ी, यूनिट्स की वर्किंग थोड़ी करनी, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स में मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर निकालनी तो अमाउंट लेनी है ना। ये फैक्ट्री वेयर्स का सम आएगा 2005 300। ये कंडीशनल फिगर्स बता दीजिएगा ये बड़ा प्लीज फिगर। ठीक है मेरी 2005 2005 जी सर। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6 8 9 7 5 7 9 7 double 0
ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस 183,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस 104,700, cost of goods manufactured 6,138,000. जी बेटा आप सबका मैच है यार, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं जी प्लीज आप. सर जी आप रिलैक्स क्यों कर गए, अगर ये फिगर हो गई है तो अभी बहुत कुछ रहता है. कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड फाइंड आउट हो गया. सर जी अभी बहुत कुछ रहता है, करें कोशिश तो करें. ये वाकई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरा मतलब मुझे करवाना कंपल्सरी है, हो जाएगा यार. 6,138 तक ठीक है जी. चलिए बेटा रिमेनिंग फिर पार्ट घर के लिए हो सकता है यार. नहीं यहाँ तक क्लियर है, पहले एक मिनट. नहीं नहीं एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि घर के, मैंने ये नहीं कहा कि आप कर लेंगे, मैंने कहा घर के लिए हो सकता है, ये जरूर हो सकता है, आप सोच के आ जाए. मिसिंग क्या रह गया, प्लीज बेटा डिस्टर्ब नहीं कर ली, करें खामोशी से प्लीज. स्क्रीन देखिएगा जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बेटा आप आ गई है. आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स पता है 840, उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है 5 से. तो ये एग्जैक्टली तकरीबन वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने किया और क्वेश्चन नंबर 4 में पहले किया था. तो ये जरा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्राई करके आए, जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन जो लास्ट पेज पे सवाल था, वो बेटा अगर कल ना करें तो खैर है, प्लीज मेरी बात पूरी सुने जरा. वैसे तो मेरे ख्याल दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप अपना पहला फोकस रखें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, और वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था वो मैं परसों डिस्कस कर लूंगा. सेकंड लास्ट पेज पे जो मैंने क्वेश्चन पहले कहा था वो चाहे आज ना करें, आज इसे खास तौर पे होमवर्क रख के जरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा. तो वो जो क्वेश्चन था सेकंड लास्ट पेज वाला, फिर मैं परसों डिस्कस कर लूंगा. मेरी बात सबको क्लियर होगी, बता दें क्वेश्चन घर के लिए कौन सा दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना आपने. ट्राई बेटा कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह मैं कल आके बताऊंगा. नहीं जरा सोचिएगा, जरा यार थोड़ा सा सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा, मैं फिर कल एक्सप्लेन करूँ. ये एक रिवर्स वर्किंग होनी है, 8,000 यूनिट्स आएंगे, नहीं 8,000 आएंगे, तो कल मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके अल्लाह हाफिज़, कल कभी डिस्कस करते हैं डिटेल. नहीं बेटा यहाँ से नहीं ना आएगी, ये तो सेल प्राइस है, यूनिट्स आप सेल प्राइस पे बेचते हैं, तो क्या स्टॉक को